पिछले एपिसोड में हमने सुना कि आयुष जरीना और नादिया को लेकर पिरामिड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रेतीले रास्तों से होते हुए वो एक गुफा में शरण लेते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड की वजह से नादिया की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। इसी कारण आयुष नादिया की जान बचाने के इरादे से उसके साथ सो जाता है। अगली सुबह उनका सफर फिर शुरू होता है और कुछ आगे जाने पर उन्हें एक बड़ी सी बस्ती दिखाई देती है। तभी उन पर एक विशाल काय जानवर हमला कर देता है। आयुष किसी तरह जानवर को मार गिराता है। अचानक तीनों देखते हैं कि कुछ घुड़सवार उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब आगे दोनों लड़कियां बेहद घबराई हुई थी और आयुष का हाथ पकड़े खड़ी थी। घुड़सवार उनके बेहद करीब आते जा रहे थे। आयुष जरीना और नादिया से शांत रहने का इशारा करते हुए बोला, तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी घुड़सवार उनके बेहद करीब आकर अपने घोड़े रोकते हैं। उन घुड़सवारों के सबसे आगे खड़ा घुड़सवार, जो कि देखने में उनका सरदार लग रहा था, अपनी तलवार आयुष की तरफ करते हुए कहता है, कौन हो तुम तीनों? किस इरादे से हमारे कबीले में आए हो? जल्दी बताओ वरना तुम्हारे सर धड़ से जुदा कर दिए जाएंगे। इससे पहले कि आयुष उसकी बात का कुछ जवाब दे पाता, सरदार के पीछे खड़ा एक अन्य घुड़सवार गुस्से में बोलता है, आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं सरदार जोरावर? देख नहीं रहे, इन्होंने इस बेहद खतरनाक जानवर को भी मार डाला है, जिसे आप खुद भी कभी मार नहीं पाए थे। ये तीनों बेहद खतरनाक लोग हैं, मार डालिए इन्हें। मुझे तो ये तीनों कोई जादूगर लगते हैं। तभी आयुष ने उस सैनिक की बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो मेरे भाई, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और ये दोनों भी बिल्कुल आम लड़कियां हैं। हम लोग भी आप जैसे ही हैं। हम तीनों मुसाफिर हैं और रास्ता भटक गए हैं। इस पर सरदार जोरावर ने आयुष को घूरते हुए कहा, कहाँ के मुसाफिर हो तुम, कहाँ का रास्ता भटक गए हो? आयुष ने अपने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाते हुए कहा, हम मजदूर हैं सरदार जोरावर, हम तीनों एशिया से आए हैं। मिस्र में जो पिरामिड बन रहा है उसी में मजदूरी करने के लिए आए हैं। आयुष की ये बात सुनते ही सरदार जोरावर समेत सभी घुड़सवार एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखने लगते हैं। वो तीनों भी उन लोगों की तरफ हैरानी से देख रहे थे। तीनों ही सोच रहे थे कि ये लोग आखिर अब उनके साथ क्या करने वाले हैं। कि तभी जोरावर अपने सैनिकों को चिल्लाते हुए आज्ञा देता है, ले चलो इन लोगों को बस्ती में। जोरावर के इतना कहते ही उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिकों ने आयुष और जरीना के हाथों में रस्सियां बांध दी थी और दो घुड़सवार उन रस्सियों को पकड़कर बस्ती की तरफ बढ़ने लगे थे। सिर्फ नातिया को ही उसके बच्चे की वजह से घोड़े पर बिठाकर ले जाया जा रहा था। बस्ती में पहुंचकर वो लोग आयुष जरीना और नातिया को एक बड़े से आश्रम जैसी दिखने वाली जगह के अंदर ले गए। जोरावर के इशारे पर उनकी रस्सियां खोल दी गई। दोनों लड़कियां सवालिया नजरों से आयुष की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में यही सवाल था कि वो लोग आखिर उनके साथ करने क्या वाले हैं और आयुष कुछ कर क्यों नहीं रहा है। आयुष बेहद शांत और खामोश था। हालांकि जोरावर और उसके लोगों ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था, पर अभी तक उन्होंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था और ना ही उन्हें कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। आयुष मन में सोच रहा था, जब से मैंने पिरामिड के बारे में बोला है तब से ये लोग खामोश हो गए हैं और हमें गिरफ्तार करके यहाँ ले आए हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं, कहीं ये लोग हमारी बलि तो नहीं देना चाहते। मन में यही सोचते हुए आयुष ने जोरावर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बड़े प्यार से बोला, सरदार हमने यहाँ आकर कोई गलती कर दी है क्या? क्या हमने गलती से आपके कबीले का कोई नियम तोड़ दिया है? अगर हमसे ऐसा कुछ गुनाह हो गया है तो हमें माफ कर दीजिए। इस पर जोरावर आयुष की तरफ घूरते हुए बोला, मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना कर लड़के, जब तुमसे बोलने के लिए कहा जाए तब बोलना, खामोश रहने में ही तुम सबकी भलाई है। इतना कहकर जोरावर पलटा और आश्रम के दूसरे कोने पर बने किसी दरगाह जैसे दिखने वाले गुंबद की ओर चल दिया। सैनिक आयुष और जरीना को धकेलते हुए जोरावर के पीछे लेकर चल दिए थे, जबकि नातिया को दो औरतें आकर अपने साथ ले गई थी। जरीना ने सैनिकों को घूरते हुए कहा, कहाँ ले जा रहे हो हमारी साथी को? उसके साथ बच्चा है, उस पर रहम करना। हमारे साथ चाहे जो भी कर लो, लेकिन उसको और बच्चे को कुछ मत करना। इस पर एक सैनिक ने जरीना की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अगर तुम लोगों को मारना होता तो सरदार कब का मार देते। बार बार बोलकर क्यों अपनी मौत को खुद ही दावत दे रही है लड़की? चुपचाप चलती रह वरना मैं तेरी जबान काट डालूंगा। थोड़ी ही पल गुजरने के बाद जोरावर आगे बढ़ता हुआ उस गुंबद के अंदर समा गया था और सैनिक जरीना व आयुष को भी
उसके पीछे पीछे अंदर ले गए थे। अंदर पहुंचकर आयुष ने देखा कि वहां पर एक बेहद बुजुर्ग आदमी जो दिखने में किसी धर्म गुरु जैसा लगता था अपनी आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ रहा था। उस बूढ़े की उम्र लगभग 100 वर्ष के आसपास रही होगी। उसकी दाढ़ी और सर का एक एक बाल सफेद हो चुका था। उसने सफेद रंग का एक लंबा सा कुर्ता पहना हुआ था। उसके हाथों की खाल लटकी हुई थी लेकिन उसके चेहरे पर इस उम्र में भी काफी तेज था। जोरावर उस बूढ़े के पास गया और सर झुकाते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो जोरावर, इस वक्त क्यों आए हो और ये दोनों कौन हैं? जोरावर आगे की तरफ झुका और बूढ़े के कान में उसे कुछ बताने लगा। जोरावर जैसे जैसे उसके कान में बोलता जा रहा था, बूढ़े के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। घबराहट के मारे आयुष और जरीना की जान हलक को आ रही थी। हर पल गुजरने के साथ उन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो दोनों यही सोच रहे थे कि न जाने ये क्या फरमान सुनाएगा। जोरावर की पूरी बात सुनने के बाद बूढ़ा गर्दन ऊपर नीचे हिलाते हुए बोला, ठीक है, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ और इनकी अच्छी तरह से देखभाल करो। हम थोड़ी देर में वहीं आकर इनसे बात करेंगे। बूढ़े की ये बात सुनते ही आयुष और जरीना ने राहत की सांस ली। इसके बाद सैनिक आयुष और जरीना को एक कमरे में ले गए जहां पर पहले से ही नातिया अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। उन दोनों को वहां देखकर नातिया बेहद खुश हो गई और दौड़कर आयुष के गले से लग गई। नातिया मुस्कुराते हुए बोली, खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। मेरी तो जान ही निकल रही थी ये सोच सोच कर कि तुम लोगों को कहीं इन्होंने बंदी तो नहीं बना लिया है। इस पर आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे साथ तो इन्होंने अच्छा ही व्यवहार किया, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। नातिया ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन लोगों ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा और मुझे खाने के लिए भी पूछा, पर मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने कह दिया कि जब तक मेरे साथी नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तभी वहां पर एक बार फिर जोरावर आता है और कहता है, शुक्र करो कि तुम लोग हमारे हाथ लगे हो। अगर रुस्तम के आदमियों के हाथ लग जाते तो अभी तलक तुम्हें बंदी बनाकर रुस्तम राज ले जाया जा चुका होता और वहां पर तुम पर खूब जुल्म और सितम किए गए होते। आयुष ने माथे पर सिलवटे डालकर बड़े आश्चर्य से जोरावर से कहा, रुस्तम राज, लेकिन हम वहीं तो जाना चाहते हैं जहां पर पिरामिड बन रहा है। हम वहां काम करने ही तो आए हैं। आयुष की ये बात सुनकर जोरावर के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी दौड़ गई थी। वो आयुष की आंखों में देखते हुए बोला, तुम वहां जाकर काम करना चाहते हो मुसाफिर, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन तुम वहां की हकीकत नहीं जानते कि वहां मजदूरों के साथ क्या होता है। ये सुनते ही आयुष जोरावर की तरफ देखता रह गया और जरीना और नातिया भी बेहद घबरा गई थी। आयुष अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए बोला, ऐसा क्या होता है वहां पर? आयुष इतना ही बोल पाया था कि तभी पीछे से वही मौलवी चलता हुआ आता है और अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, वहां जुल्म होता है जुल्म। वो जादूगर रुस्तम और नरीना दोनों ही शैतानी जालिम है। वहां पर मजदूरों पर बहुत जुल्म किया जाता है, इतना कि तुम अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। वो लोग अक्सर हमारी बस्ती पर हमला करते हैं और यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों को उठा कर ले जाते हैं। पिरामिड पर ले जाकर वो उनसे पहाड़ियां तोड़वाते हैं, फिर उन टूटे हुए पत्थरों को घसीटते हुए पिरामिड पर ले जाया जाता है। कोई मजदूर अगर जरा सी भी गलती करते तो उसे पिरामिड से ही नीचे फेंक दिया जाता है। इतना कहते कहते बूढ़ा अचानक खांसने लगा। आयुष ने आगे जानने के इरादे से सर झुका कर कहा, हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो पिरामिड आखिर बना क्यों रहे हैं? इस पर बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो दोनों एक मुर्दे को जिंदा करना चाहते हैं। ये सुनते ही आयुष जरीना और नातिया एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। आयुष ने हड़बड़ाते हुए पूछा, जिंदा करना मतलब? तभी जोरावर ने बीच में बोलते हुए कहा, जिंदा करना मतलब जिंदा करना, तुम्हें समझ नहीं आता? वो दोनों कहीं से एक मम्मी को उठा कर ले आए हैं, शायद किसी दूसरे पिरामिड से चुरा कर लाए हैं। जब पिरामिड पूरा हो जाएगा तो जादूगर रुस्तम अपनी जादुई हरकतें शुरू करेगा, फिर नरीना किसी खास जिंदा इंसान को लेकर आएगी, उसके बाद जादूगर रुस्तम
अपने जादू से उस खास आदमी की रूह निकालकर उस ममी में डाल देगा। आयुष सारी कहानी सुन रहा था और समझ भी रहा था। आयुष जान गया था कि अनामिका आखिर वाणी को वहां क्यों ले गई है, क्योंकि वो वाणी को नहीं ले जाती तो आयुष पीछे पीछे कैसे जाता। दरअसल वो आयुष को ही पिरामिड में ले जाना चाहती है ताकि वो आयुष की आत्मा निकालकर उस मम्मी में डाल सके और फिर आयुष हमेशा के लिए अनामिका का होकर रह जाएगा। आयुष अपने मन में ये सभी बातें सोच ही रहा था कि तभी मौलवी आगे बढ़कर कहता है, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम लोगों को यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि इस रेतीले इलाके के आसपास नरीना और रुस्तम ने अपना जादू कर दिया है। यहाँ के जानवर राक्षसों में बदल गए हैं। एक को तो तुम खुद ही मार चुके हो। ऐसा उन दोनों ने इसलिए किया है ताकि हमारे कबीले का कोई भी आदमी यहाँ से भाग कर ना जा सके। पिरामिड बनाने के लिए उन लोगों को जब भी और मजदूरों की जरूरत होती है तो वो यहाँ आते हैं और हमारे नौजवानों को उठा कर ले जाते हैं। बूढ़े ने ये कहते हुए अपनी बात खत्म ही की थी कि अचानक बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मौलवी ने अपने कांपते स्वर में जोरावर की तरफ घूरते हुए कहा, लगता है वो लोग आ गए हैं, जाओ अपने लोगों की मदद करो। जोरावर तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। आयुष भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ बोला, तुम लोग उनसे कैसे लड़ते हो? इस पर जोरावर ने कहा, हम लोग उनसे लड़ते नहीं हैं, हम लोग बस ये कोशिश करते हैं कि वो किसी बीमार या कमजोर इंसान को ना ले जाए। हम बस तंदुरुस्त लोगों को ही वहां भेजते हैं। पिरामिड तक पहुंचने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। आयुष जोरावर को एक सलाह देता है। उसकी सलाह सुनते ही जोरावर चलते चलते रुक जाता है। थोड़ी ही देर बाद अनामिका के आदमी कबीले के लगभग 100 लोगों को चुनते हैं, जिनमें जोरावर ने आयुष, जरीना और नातिया को भी शामिल कर दिया था। सभी मजदूरों को पिंजरे में डाल दिया जाता है, जिन्हें कुछ लोग घसीट कर पिरामिड की दिशा में ले जा रहे थे। उन्हीं में से एक पिंजरे में आयुष, नातिया और जरीना भी थे। पिरामिड पर पहुंचकर आयुष वाणी तक कैसे पहुंचेगा? क्या वाणी जिंदा है या मर चुकी है? आयुष का प्लान क्या है? क्या अनामिका जानती है कि आयुष आ रहा है? जानने के लिए सुनते रहें कहानी का अगला भाग केवल पॉकेट FM ऐप पर।